राधे राधे 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने, भगवान विष्णु की पूजा करने, रात्रि जागरण करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। इस एकादशी की कथा व महात्म्य के सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पूजा विधि, एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठे, स्नानादि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर भगवान विष्णु की रोली मूली गुड़ चावल धूप दीप नैवेद्य फल व पुष्प इत्यादि से पूजा करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं, एक समय फलाहार करें, सारा दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, रात्रि जागरण करें, प्रदोष काल में भगवान विष्णु व तुलसी के आगे घी का दीपक अवश्य जलाएं, अगले दिन द्वादशी के दिन पारण करें। आइए अब सुनते हैं इसका महात्म्य व कथा। युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान ने कहा, प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का प्रतापी राजा राज्य करता था। एक समय राजा अपनी राजसभा में सुख पूर्वक बैठा था। महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। महर्षि नारद बोले, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल हैं। मैं आपकी धर्म परायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोला, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक हैं। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है। एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था तो उस जगह यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठे देखा था। तुम्हारे पिताजी महान ज्ञानी दानी तथा धर्मात्मा थे। वे एकादशी के व्रत बिगड़ जाने से यमलोक को चले गए। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का फल मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी और इस लोक से छूटकर मैं स्वर्ग लोक को चला जाऊंगा। जब राजा ने महर्षि नारद जी से ऐसे वाक्यों को सुना तो उन्हें महान दुख हुआ और वे इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगी कि हे नारद जी, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए। तब नारद जी ने विस्तार पूर्वक एकादशी के व्रत की विधि बतलाई और कहा कि हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग को जाएंगे। महर्षि नारद राजा को जब उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए तो राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को चला गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महात्म्य वर्णन किया। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य स्वर्ग लोक में जाकर वास करता है। तो आप भी एकादशी का व्रत करिए, भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, रात्रि जागरण कीजिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही धार्मिक कथा कहानी की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।